बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद इन दिनों सुर्खियों में हैं। हल्दी मेहंदी और संगीत के बाद अब बीती रात दिल्ली में कपल का ग्रैंड वेडिंग रिसेप्शन हुआ। पिछले एक हफ्ते से शादी की कई रस्में चल रही थी। अब इसी कड़ी में गुरुवार को दोस्तों के लिए रिसेप्शन रखा गया था। स्वरा और फहद के वेडिंग रिसेप्शन की तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। इन तस्वीरों में न्यूली वेड कपल हाथों में हाथ डाले नजर आ रहा है। सामने आई तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्वरा और फहद ने हाथों में हाथ डालकर रिसेप्शन पार्टी में एंट्री ली है। अपने रिसेप्शन में स्वरा गुलाबी और लाल रंग के लहंगे में नजर आई। शादी से जुड़े हर फंक्शन के लिए स्वरा अलग अलग आउटफिट्स ट्राई कर रही हैं, कभी साड़ी कभी सूट तो कभी लहंगा। रिसेप्शन के लिए स्वरा ने हैवी वर्क लहंगा कैरी किया। ओपन हेयर स्टाइल के साथ वो बेहद ही खूबसूरत लग रही थी। स्वरा ने लहंगे के साथ अपने लुक को हैवी ज्वेलरी और मांग टीका के साथ कंप्लीट किया। वहीं फहद गोल्डन और क्रीम कलर की शेरवानी में नजर आए। स्वरा के वेडिंग रिसेप्शन में राजनीति और बॉलीवुड से जुड़ी कई बड़ी हस्तियों ने भी शिरकत की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, अभिनेत्री और सांसद जया बच्चन, शशि थरूर, सुप्रिया सूले और कई अन्य नामचीन हस्तियां नए जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंची थी। स्वरा फहद के रिसेप्शन पार्टी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी शिरकत की। राहुल गांधी बेहद ही टाइट सिक्योरिटी के साथ स्वरा के रिसेप्शन में पहुंचे थे। राहुल गांधी की नए कपल के साथ तस्वीरें सामने आई हैं। इस दौरान उन्होंने स्वरा से बातचीत भी की। बता दें कि वेडिंग रिसेप्शन से एक दिन पहले शादी फंक्शन के दौरान कवाली नाइट का आयोजन किया गया था। कवाली नाइट के दौरान समाजवादी पार्टी के नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव खास तौर से पहुंचे थे। स्वरा ने फोटोज शेयर करते हुए उन्हें थैंक यू कहा था। फहद, स्वरा और अखिलेश कवाली नाइट को एंजॉय करते हुए भी नजर आए थे। बताया जा रहा है कि अब स्वरा और फहद अहमद का एक और रिसेप्शन 19 मार्च को बरेली में आयोजित किया जाएगा। गौरतलब है कि दिल्ली में एनआरसी के प्रदर्शन के दौरान स्वरा और फहद की मुलाकात हुई थी। वहीं से दोनों की लव स्टोरी शुरू हुई, जिसके बाद इसी साल स्वरा भास्कर और फहद ने फेरे और निकाह ना कर कोर्ट मैरिज कर ली थी। इसके बाद स्वरा ने अपनी शादी की जानकारी फैंस के साथ शेयर की थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।